कि चाहे वो दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, उन सब के ऊपर संकट आया। हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है, एयर इंडिया जैसी कंपनी को हम प्राइवेट हाथों में बेचने जा रहे हैं, तो ये 3 साल के कार्यकाल ने जो बुनियादी वसूल थे हमारे देश के, उसकी बुनियाद को खोखलाई किया, इससे ज़्यादा मतलब। सर, अब 2 दिन रह गए हैं लोकसभा राज्यसभा के शीतकालीन सत्र के, क्या लग रहा है कि जो ये सत्र शुरू होने से पहले जितने बिल की बात की जा रही थी, क्या पूरा कर लिया जाएगा? देखिए, बिल का सवाल नहीं है। आज देश में राज्यसभा में सवाल उठा है कि ऑर्डिनेंस है कितना बैंकिंग सिस्टम पर। हमने कहा जो पूरी बैंकिंग सिस्टम पर ही प्रश्न लग गया है। जब देश में 4 तरह के नोट छप रहे हों, किसी भी देश की करेंसी सबसे बड़ी उसकी विश्वसनीयता की प्रतीक होती है, और सरकार बताए रिजर्व बैंक के गाइडेंस है कि हमारी 500 का हमारा 1000 का नोट कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, उसी में 5 प्रकार के नोट खुलने हैं, तो ये लग रहा है कि हमारी पूरा सिस्टम ही क्राइसिस में है। तो सरकार को यही कहा था कि पहले उन क्राइसिस पर बात करो, फिर बिल पर ही बात हो जाएगी। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि इस सरकार के विरुद्ध सभी विपक्ष बार बार आह्वान हो रहा है सभी पार्टी की तरफ से कि एक साथ आने की बात कही जा रही है, कितना जायज है? नहीं, जायज इसलिए है कि मैंने शुरू में आपसे कहा उन बुनियादी वसूलों के लिए जिसके इस देश के स्वतंत्रता संग्राम के नानियों ने अपना बलिदान को निचार किया था। आज दुर्भाग्य के कारण जो सत्ता में बैठे हैं कि इनका उस विरासत से कोई संबंध नहीं रहा, आज उन तमाम मूल्यों को चुनौती दे रहे हैं। सर, एक 15 अगस्त पे एक मैसेज, रिकॉर्डिंग बंद करो।